पंजाब में आतंकी हमले के खतरे के कारण सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। पठानकोट में आतंकी हमले का इनपुट मिलने के बाद हाई अलर्ट जारी किया गया है। पूरे क्षेत्र में नाकाबंदी कर दी गई और अस्पतालों में बेड खाली कराकर उन्हें रिजर्व किया गया है। बसें भी खाली कराकर तैयार रखी गई हैं। पुलिस व सुरक्षा बलों के जवान सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। पुलिस प्रशासन की तरफ से तमाम अफसरों को एक पत्र जारी किए जाने के बाद 11 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक पठानकोट और गुरदासपुर दोनों जिलों में गहन सर्च ऑपरेशन जारी रहने वाला है। वहीं किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा बलों के साथ प्रशासन और पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक पठानकोट में फिर बड़ा आतंकी हमले की साजिश का इनपुट मिला है। इसके बाद से पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन सहित सभी संवेदनशील जगहों की सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। पूरे क्षेत्र में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। जिला प्रशासन ने सभी विभागों को आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार रहने को कहा है। पूरे क्षेत्र में सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। वाहनों को चेकिंग के बाद ही जाने दिया जा रहा है। विभिन्न मार्गों के प्रमुख बिंदुओं पर पंजाब पुलिस के जवान तैनात हैं। कुछ निजी स्कूलों से उनकी बसों को भी जरूरत पड़ने पर तैयार रखने के निर्देश दिए हैं। पठानकोट पुलिस ने शहर से करीब 13 किलोमीटर दूर डमटाल और भदरोया क्षेत्र के जंगल खंगाले हैं। पुलिस, एसओजी कमांडो, स्वैट टीम और हिमाचल पुलिस के करीब 150 जवानों ने यह सर्च ऑपरेशन चलाया। ये जंगल काफी घने हैं और कुछ साल पहले यहां भी आतंकी छिपे थे। वहीं पूरे जिले में खासकर सीमांत क्षेत्रों में एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू करने की तैयारी है। इस सर्च ऑपरेशन के लिए जालंधर सहित पंजाब के कई जिलों से अतिरिक्त फोर्स पठानकोट बुलाई गई है। आज शाम को पुलिस फोर्स सहित एसएसजी, स्वैट आदि के जवान और अधिकारी पठानकोट में पहुंचेंगे। 3 दिन तक पुलिस का सर्च अभियान पठानकोट शहर एवं जिले के विभिन्न इलाकों में चलेगा। जवानों और अधिकारियों की टीमें सर्च अभियान में भाग लेंगी। इतना ही नहीं, किसी भी आपात स्थिति की आशंका के चलते सिविल अस्पताल पठानकोट में 20 बेड रिजर्व के साथ ही दवाओं व ब्लड का प्रबंध कर दिया गया है। स्कूलों व निजी बसों को खाली तैयार रखा गया है। यह अलग बात है कि पुलिस अधिकारी इस मामले में खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। गिरफ्तार खालिस्तानियों से खुलासा सूत्रों के मुताबिक बीते दिनों अमृतसर के खेमकरण में पाकिस्तानी ड्रोन से हथियार भेजे जाने के मामले में गिरफ्तार 9 खालिस्तानी आतंकियों से पूछताछ में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। आतंकियों ने एक हिटलिस्ट बनाई है और इसमें प्रमुख रूप से भाजपा नेता व पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रोफेसर लक्ष्मीकांता चावला और पंजाब विधानसभा के पूर्व स्पीकर निर्मल सिंह काहलों के अलावा निरंकारी समुदाय से जुड़ी शख्सियतों और कई डेरों के लोगों के नाम शामिल हैं। इन सभी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पहले हो चुकी ये हरकतें उधर बीते दिनों पठानकोट से लगते जम्मू कश्मीर के लखनपुर बैरियर पर हथियारों के साथ आतंकियों के पकड़े जाने के बाद उनके पठानकोट के सीमांत क्षेत्रों से होकर गुजरने की बात सामने आई थी। जिले में आने वाले बमियाल सेक्टर की करीब 7 किलोमीटर की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। इसी क्षेत्र से घुसपैठ कर आतंकी पहले भी दीनानगर और पठानकोट एयरबेस पर हमले की घटना को अंजाम दे चुके हैं।